सो लाइट गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo के T1 डिवाइस के अंदर आप स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग का कैसे यूज कर सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग्स काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसका आप यूज करके अपने फोन को दो स्क्रीन के साथ आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक स्क्रीन पे आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो और दूसरे एप्लीकेशन पे आप कोई और एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। सो इसे आप कैसे करेंगे, उसके लिए गाइस आपको क्या करना, सिंपली कुछ सेटिंग्स को फॉलो करना और आप अपने फोन के अंदर इजिली स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग का यूज कर पाएंगे। तो जस्ट हम क्या करेंगे, सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सेटिंग्स है, हमने इसको क्लिक करा। अगेन गाइज क्या करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सर्च बटन का। सर्च बटन का ये जो सर्च बटन बाहर मिल रहा है, आप इसका इजीली यूज कर सकते हो सर्च बटन बार का, और इसकी मदद से अपने फोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है स्मार्ट स्प्लिट। एक्चुअली गाइज इसका नाम ही स्मार्ट स्प्लिट है, तो हम यहाँ पर स्मार्ट स्प्लिट लिख लेते हैं। और जैसे स्मार्ट स्प्लिट लिखेंगे तो यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट के सेटिंग्स के अंदर हमें स्मार्ट स्प्लिट मिल जाता है, जो हम यहाँ से डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। और या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से मैनुअली ओपन करने के लिए आपको नीचे आना है, सिस्टम मैनेजमेंट वाला ये जो सेटिंग्स है इसको जस्ट प्रेस करना है। सो मैंने जैसे इसको क्लिक करा, अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको नीचे आना है, एस कैप्चर के जस्ट नीचे आपको स्मार्ट स्प्लिट मिल जाएगा, तो आपको इसे प्रेस करना है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमें तीन सेटिंग्स मिल रही है, तीन तरीके की। एक मैसेज स्क्रीन स्प्लिट है, दूसरा है मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट है, तीसरा है स्मार्ट सजेशन फॉर स्क्रीन स्प्लिट ऐप्स है। तो हम तीनों चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैसेज वाले की बात करते हैं, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। अभी गाइस यहाँ पर हमारे पास फेसबुक, मैसेज एंड व्हाट्सअप, तीन तरीके के एप्लीकेशन आ रहे हैं। तीनों एप्लीकेशन में क्या बोल रहा है कि अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन करना है इसको, तो जब भी आप कोई चीज़ ओपन करके देख रहे हो या फिर फ़ोन पे कुछ भी ऐसे रैंडम से कर रहे हो, तो अगर कोई मैसेज आता है तो ये जो आइकन आपको शो हो रहा है ना, ये आइकन अगर शो होता है, जैसे आप उस आइकन को टच करेंगे तो आपका जो स्प्लिट स्क्रीन है वो वर्क कर जाएगा और आपका फ़ोन जो है स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला तो ये हुआ, और ये जो चीज़ें हैं आप फेसबुक और मैसेज व्हाट्सएप के ही साथ कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ से ऑन है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहां से अगर इस तरह से ऑफ मिलता है तो आप जस्ट ऑन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपरली ऑन हो जाएगा। हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, मैनुअल स्प्लिट स्क्रीन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये थ्री फिंगर का यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप इसको ऑन कर लेना। अभी मैं इसका डेमो दिखा दूंगा कैसे थ्री फिंगर्स का यूज़ करके अपने फ़ोन को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर ये ऑफ है तो जस्ट इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर लेना। सेकेंड हमारे पास है स्मार्ट सजेशन फॉर स्प्लिट स्क्रीन वाला, ये जो ऑप्शन है ये भी इंटरेस्टिंग है, हम ये आपको बता देंगे कि आप इसका यूज़ कैसे करना है। आप इसको ऑन कर लेना जस्ट यहाँ से, अगर ये ऑफ होगा तो ऑन कर लेना। अब हम डेमो कर लेते हैं, पहले वाले ऑप्शन को आप समझ ही गए होंगे, आपको उसे बताने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है हमें थ्री फिंगर का यूज़ करके इसे स्प्लिट स्क्रीन करना है, तो उसके लिए हमें किसी एक एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, कोई भी एप्लीकेशन रैंडम सा ले लो, हम यहाँ पर फेसबुक को ले लेते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो सपोर्टेबल नहीं होते स्प्लिट स्क्रीन के लिए, तो ऐसा नहीं कि आपने कोई एप्लीकेशन यूज़ करा उस पर नहीं हुआ तो नीचे कमेंट कर दो कि ये चीज़ें गलत थी, आप दूसरे भी एप्लीकेशन को ट्राई कर लेना। तो मैं यहाँ पर फेसबुक को करूँगा, तो फेसबुक में होता है तो इसलिए मैं फेसबुक को पहले ओपन करूँगा, देन अपना यहाँ पर पासवर्ड एंटर करूँगा और यहाँ पर हम थ्री फिंगर्स का डाउन करूँगे। यहाँ पर थ्री फिंगर का हमने यहाँ पर यूज़ करा और हमारा जो स्क्रीन है वो प्रॉपरली स्प्लिट हो जाएगा। गोडिट कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट बार हमने ओपन करा, इसके बाद ओके कर देंगे। हमारा जो स्क्रीन है स्प्लिट हो चुका है, हम यहाँ पर फेसबुक को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन और हम यूज़ करना चाहें तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन था वो था शॉर्टकट वाला जो एप्लीकेशन का, वो कैसे था, वो एक्चुअली ये था कि जो आपको यहाँ पर शॉर्टकट मिल रहे हैं ये वाले एप्लीकेशन, आप इनको डायरेक्टली भी यहाँ से ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया, यूट्यूब ओपन हो चुका है, गोडिट कर देते हैं इसको। अगर आप यहाँ से जो शॉर्टकट के अंदर जो भी चीज़ें मिल रही है अगर आप उसे यूज़ करना चाहो तो जस्ट पे क्लिक करके शॉर्टकट के अंदर ही आप उसे ओपन कर सकते हो। सो ऐसे ही कुछ स्मार्ट स्पीड का यूज़ किया जाता है, कि आई होप कि आप समझ में गए होंगे स्मार्ट स्पीड सेटिंग्स क्या है एंड आप इसे अपने फ़ोन के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। फिर भी गाइस अगर इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजिंग हो आपके मन में तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हो। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर आर्टिकल वगैरह पढ़नी है तो आप नीचे लिंक मिल जाएगी वेबसाइट की, तो आप वहाँ जाके उसे रीड कर सकते हो। तो बस गाइस मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।